संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले प्रोग्राम में हमने चर्चा की थी महावीर जयंती की और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत सारे जो आदरणीय श्रोतागण हैं उन्होंने एक सवाल मुझसे पूछा है। उन्होंने कहा है कि महावीर जयंती ने आपने कहा कि 4 अप्रैल को है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, साधुगणों ने बताया है कि ये तो 3 अप्रैल को मनानी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ महावीर जयंती के साथ ही नहीं हुआ, ये जितने भी हमारे त्योहार हैं, हमारे हिंदू त्योहार, उन सभी के साथ होता है। आप किसी भी त्योहार को देखिए, कोई कहता है आज मनाइए, कोई कहता है कल मनाइए, और लोग भ्रमित होते हैं। और मैंने बहुत लोगों को सुनते हुए भी देखा है कि शायद ज्योतिष लोग हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये बेवकूफ बनाने वाली कोई बात नहीं है। हमें सिर्फ जो हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी मुहूर्त होते हैं, वो हमारे ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिसको हम चंद्र मास कहते हैं या चंद्र वर्ष कहते हैं। और उसी के बारे में, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है कि कैलेंडर क्या है। और मैंने बहुत लोगों को, जो विद्वान लोग भी हैं, और उनके वीडियो सुने, मुझे लगा कि उनको भी नहीं मालूम कि ये ल्यूनर कैलेंडर होता क्या है। और ये इतना कैलेंडर, हम कहूंगा कि जो भारतीय हमारी प्राचीन विद्याएं हैं उनकी देन है। और ये कैलेंडर इतना वैज्ञानिक है, इतना सुंदर है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कौन इस कैलेंडर को कैसे बनाया जा सकता है। हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्रों में हम 2 तरह के कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक कहते हैं सोलर कैलेंडर और एक होता है ल्यूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर बहुत सिंपल है, जैसे जैसे सन का मूवमेंट एक नई राशि में होता है, या जैसे ही सन प्रथम राशि में या मेष राशि में एंटर करता है, तो हमारे नए महीने की, नए साल की शुरुआत हो जाती है। और जैसे जैसे चंद्रमा, सूर्य जो है वो राशि चेंज करता है, वैसे वैसे नए महीने की शुरुआत होती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां हैं और 12 ही महीने होते हैं, तो ये कैलेंडर हमारा इंग्लिश कैलेंडर से कोइंसाइड करता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कहा मैंने कि जितने भी हमारे फेस्टिवल हैं वो हमारे ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड हैं। और आज मेरा जो उद्देश्य है आप सभी को ये इस कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा अवगत कराने का, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाए और फिर आपका जो डाउट है कि ये त्यौहार हम आज मनाएं या कल मनाएं, वो काफी आप हद तक क्लियर हो जाएगा। ल्यूनर कैलेंडर क्या है? ल्यूनर कैलेंडर जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ सन एंड मून इन द जोडियक। जोडियक में, राशि चक्र में सन और मून का जो आपसी मूवमेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड है। अर्थात जब सन और मून एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं तब महीने की शुरुआत होती है, और जब दोबारा से उसी पोजीशन में आते हैं तब एक महीना जो है हमारा समाप्त हो जाता है। ये हम कहते हैं दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ 1 लूनर मंथ। अब आप देखेंगे कि जोडियक में सूर्य तो 1 डिग्री पर डे मूव करता है और चंद्रमा मूव करता है 13-15 डिग्री पर डे। तो ये जो टाइम लगता है कि एक पोजीशन है और दूसरी पोजीशन वो ही वापिस आने में, ये 29.5 दिन का समय लगता है। ये 30 और 31 दिन का नहीं है, 29.5 दिन का समय है। और चंद्रमास को, चंद्रमास हमारा नॉर्मली पूर्णिमा से शुरू होता है और दूसरी पूर्णिमा तक रहता है। और चंद्रमास को हम 2 पक्षों में डिवाइड करते हैं, एक पूर्णिमा से अमावस्या तक और दूसरा अमावस्या से पूर्णिमा तक। जो है पहले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं, व्हेन द मून इज गेटिंग डार्कर, और दूसरे पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं, व्हेन द मून इज गेटिंग ब्राइटर। और पूर्णिमा का अर्थ होता है जब सन और मून का आपसी जो डिस्टेंस है जोडियक में 180 डिग्री होता है, और अमावस्या का अर्थ होता है जब सन मून इकट्ठा होते हैं। इसी तरह से जब दोबारे से 180 डिग्री का डिफरेंस होता है या पूर्णिमा आती है, तब हमारा एक ल्यूनर मंथ का ड्यूरेशन होता है। अब जो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में सन और मून का जो रिलेटिव मूवमेंट है 180 डिग्री होता है, और ऐसे ही अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो ड्यूरेशन है 180 डिग्री का जो डिफरेंस है 180 डिग्री होता है। अब हम दोनों पक्षों को 15-15 तिथियों में डिवाइड करते हैं। आप तिथियों में कैसे डिवाइड किया जाए, तो कहा कि जिस बेसिस पर ये कैलेंडर है उसी के आधार पर हम तिथियों को भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब सन और मून का रिलेटिव मूवमेंट हर पक्ष में 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 डिग्री को 15 तिथियों में डिवाइड कर लिया, 15 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया।
जब हम 180 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 12 डिग्री। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे जैसे सन और मून का आपसी मूवमेंट 12 डिग्री से वेरी करेगा, वैसे ही हमारी एक तिथि समाप्त हो जाएगी। अब प्रश्न यह है कि जो 12 डिग्री का मूवमेंट कब होगा, ये तो दिन और रात के किसी भी टाइम हो सकता है, क्योंकि सन और मून का जो मूवमेंट है वो हमारे ऊपर बेस्ड नहीं है, वो उनके मोशन के ऊपर बेस्ड है। तो तब कब ये 12 डिग्री का डिफरेंस होगा, उस टाइम हम उस तिथि की समाप्ति मानते हैं। और ये जो डिफरेंस है 12 डिग्री का, किसी भी टाइम हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। अब एक ऑर्डिनरी आदमी, एक लेमैन क्या करे? हमारे पंचांग में तो लिखा होता है कि तिथि कब शुरू हो रही है, कब खत्म हो रही है, लेकिन एक लेमैन को मतलब नहीं है। जो इंट्रिकेसीज है हमारे कैलेंडर्स की, वो तो ही गोज बाय द कैलेंडर। तो ये रूल बनाया गया, नेचुरली हमको पंचांग में एक बताना पड़ेगा कि आज कौन सी तिथि है। तो उसका रूल ये बना कि जो तिथि सनराइज के टाइम प्रिवेल करती है, सनराइज के टाइम एग्जिस्ट करती है, उसको उस दिन की तिथि माना जाता है, उस दिन को उस दिन की तिथि माना जाता है। अब भले ही वो सनराइज के 5 मिनट में या 2 मिनट में भी समाप्त हो जाए, लेकिन पंचांग में तो वही तिथि लिखी जाएगी। तो लेमैन तो कहेगा कि मुझे मतलब नहीं है, मैं तो पंचांग से जाऊंगा, पंचांग में तो आज जो है ये तिथि दिखाई गई है, मैं अपना फेस्टिवल बनाऊंगा। लेकिन जो जानते हैं, जो उनको अवेयर हैं इस कैलेंडर के बारे में, वो जानते हैं कि कौन सा फेस्टिवल हमें कब मनाना है और उस टाइम कौन सी तिथि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती जिस दिन हम फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि एक ऑर्डिनरी आदमी के लिए तो कैलेंडर ही मान्य होता है या पंचांग मान्य होता है, और एक जो ज्योतिष है या जिसको भी इन कैलेंडर का ज्ञान है, इट गोज बाय द टाइमिंग ऑफ द तिथि, कौन सी तिथि कब शुरू हो रही है और कब खत्म हो रही है, और हमें जो फेस्टिवल मनाना है वो कब। मान लीजिए कि हम दीपावली मनाते हैं कार्तिक महीने की अमावस्या को, और दीपावली हम लोग शाम को मनाते हैं, और मान लीजिए कि अमावस्या जो कैलेंडर में दिखाई गई वो दिन में खत्म हो गई, तो शाम को दीपावली मनाने के टाइम तो अमावस्या नहीं रही। तो जो जानने वाले हैं वो तो पहले दिन मनाएंगे, लेकिन जो लेमैन हैं जिनको ज्ञान नहीं है वो कहेंगे कैलेंडर तो आज लिखा हुआ है अमावस्या, हम तो आज इसको मनाएंगे। एंड इसकी वजह से ये कंफ्यूजन होता है कि एक अवेयरनेस ना होने की वजह से ही हमें कंफ्यूजन हुआ। अब ऐसे ही महावीर जयंती सुबह 3 अप्रैल को 6:25 पर शुरू हुई, जबकि सनराइज जो है वो हो चुका था उस टाइम, तो इसलिए 3 अप्रैल को आप त्रयोदशी नहीं दिखाया गया, द्वादशी दिखाया गया। और ये 4 अप्रैल को 8:05 तक रही, मतलब सनराइज के टाइम जो तिथि थी वो त्रयोदशी थी, तो इसलिए जो नॉर्मल होगा कैलेंडर के हिसाब से वो 4 अप्रैल को मनाया जाना चाहिए था, लेकिन जो हमारे गुरुओं ने कहा कि 3 अप्रैल को मनाना था वो भी सही है उनके लिए, क्योंकि 3 अप्रैल को सारे दिन ये त्रयोदशी तिथि थी, तो हम 3 अप्रैल को ही मना सकते थे और 4 अप्रैल को भी मना सकते हैं, क्योंकि 8:25 तक थी वो तिथि, और उससे पहले ही हम लोग सब पूजा पाठ करते हैं महावीर जयंती के उपलक्ष में जो है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि हर तिथि के टाइम जो है ये प्रश्न आता है कि आज उसको मनाया जाए या कल मनाया जाए। ऐसे ही इसमें जब लूनर कैलेंडर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आपने सुना होगा कभी तिथि 6 हो जाती है, कभी तिथि वृद्धि हो जाती है। ना तो तिथि 6 हो सकती है, ना ही वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जो तिथि है वो हमारे सन मून के मूवमेंट के ऊपर आधारित है, ना वृद्धि हो सकती है ना 6 हो सकती है। लेकिन जो कंसेप्ट है कि सनराइज के टाइम जो तिथि होती है वो ही तिथि उस दिन की तिथि मानी जाती है। तो मान लीजिए कि कोई तिथि ऐसी हुई जो 2 सनराइज के बीच में नहीं पड़ी, सनराइज के बाद शुरू हुई और सनराइज से पहले खत्म हो गई, तो नेचुरली कैलेंडर में वो तिथि नहीं दिखाई गई और हमने उसको तिथि 6 मान लिया, लेकिन पूरे दिन वो तिथि थी, अगर हमें कोई काम करना था उस तिथि में तो हम कर सकते थे। ऐसे ही तिथि वृद्धि होती है कि कोई तिथि सनराइज से जस्ट पहले शुरू हुई और नेक्स्ट सनराइज के जस्ट बाद खत्म हुई, तो दोनों दिन सनराइज के समय वो ही तिथि रही, तो इस कंसेप्ट को हम तिथि वृद्धि कहते हैं। और कोई ये अनोखी चीज नहीं है या कोई हम कहेंगे शुभ या अशुभ की बात नहीं है, सिर्फ ये तिथि जो है वो सनराइज के टाइम थी या नहीं थी उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और जैसा मैंने कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है इस कैलेंडर के बारे में कि ये जो ड्यूरेशन होता है इस महीने इसका लूनर मंथ का 29.5 है, या एग्जैक्टली हम कहें तो 29.5306 अर्थ डेज होता है। तो ये जो फेस्टिवल है हमारे सब वो लूनर कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है, तो ये जो हर साल, क्योंकि लूनर ईयर जो है 354 डेज का पड़ेगा, जबकि हमारा जो सोलर ईयर होता है वो 365 प्लस डेज का होता है, तो हर साल 11 दिन का अंतर आ जाता है लूनर कैलेंडर में और सोलर कैलेंडर में। और आप देखते भी हैं कि जो एक फेस्टिवल हमारा एक पर्टिकुलर डेट में पड़ता है नेक्स्ट ईयर, फिर 11 दिन पहले पड़ता है, फिर नेक्स्ट ईयर 11 दिन पड़ता है, बट हमारे जो कैलेंडर में दिस इज नॉट अलाउड टू कंटिन्यू आफ्टर मोर देन 2 ईयर्स। हम क्या करते हैं कि हर तीसरे साल जब लूनर और सोलर ईयर में एक महीने का अंतर हो जाता है तो हम उसको एक महीना ऐड कर देते हैं उस साल, हर तीसरे साल लूनर ईयर में, और उस साल जो लूनर ईयर होता है 12 महीने का नहीं होता, 13 महीने का होता है, और ये जो महीना ऐड करते हैं इसको हम अधिक मास कहते हैं, 6 मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और ये जो महीना ऐड किया गया 2020 में किया गया था, और अब देखेंगे 2023 में फिर हम एक अधिक मास ऐड कर रहे हैं लूनर ईयर में, जो कि 18 जुलाई से 16 अगस्त वाला जो महीना है श्रावण महीना वो पड़ेगा, अर्थात इस वर्ष 2 श्रावण महीने होंगे और हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं सब वापस उसी डेट पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक कंसेप्ट और होता है लूनर कैलेंडर में जिसको हम कहते हैं मास 6, बट मास 6 जो है ये रेयर है, रेगुलर नहीं है, ये या तो 19 साल के बाद होता है या 141 ईयर्स के बाद होता है, और ये लास्ट टाइम 1822-23 में हुआ था, फिर 1963-64 में हुआ, फिर 82-83 में हुआ, और उसके 141 ईयर्स के बाद फिर ऐसी सिचुएशन आएगी जब हमें ल्यूनर ईयर में से एक महीना कम करना पड़े। अब इसके भी सिद्धांत बनाए गए कि अगर हमें अधिक मास ऐड करना है तो कौन सा महीना होना चाहिए, अगर हमें एक महीना कम करना है तो कौन सा महीना कम करें। इट इज नॉट लेफ्ट टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द इंडिविजुअल एस्ट्रोलॉजर, उसके प्रिंसिपल है, एक प्रॉपर प्रिंसिपल है, और अधिक मास जो होता है वो महीना होता है जिस महीने में सन जो है राशि परिवर्तन नहीं करता। और आप देखेंगे कि एक ही महीना होगा साल में जिसमें पूरे पूर्णिमा से पूर्णिमा के दौरान सन जो है साइन चेंज नहीं करेगा, उसको हम अधिक मास डिक्लेयर करते हैं। ऐसे ही जो मास 6 का कंसेप्ट है, जब सन जो है एक महीने में या पूर्णिमा से पूर्णिमा के दौरान 2 बार राशि परिवर्तन करता है, उसको हम मास 6 कहते हैं, वो हम एक महीना कम कर देते हैं। तो कभी हमें एक महीना ऐड करना पड़ता है, कभी हमें एक महीना कम करना पड़ता है। और उससे जो बड़ी खास बात इस कैलेंडर की है, आप देखेंगे कि जितने भी जो महीनों के नाम हैं, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, जितने महीनों के नाम हैं, दे आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द नक्षत्रास, नक्षत्रों के नाम पर आधारित है। आप सोचेंगे कि नक्षत्र 27 होते हैं, तो किसने चूज किए कि 12 ही महीने और 12 ही नक्षत्र, इन इन नक्षत्रों को हमने चूज किया? नहीं, ये भी एक बहुत एक साइंटिफिक चीज है इस कैलेंडर के बारे में कि इतना सब कुछ एडजस्ट करने के बाद महीना ऐड करना, महीना कम करना, 29.5 दिन का महीना होना, आपको ताज्जुब होगा कि जब ये महीना शुरू होता है ल्यूनर मंथ, तो उस टाइम जो नक्षत्र होता है वो ही नक्षत्र होता है जिस महीने, जिस नक्षत्र के ऊपर उस महीने का नाम बेस्ड है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैलेंडर। द कैलेंडर इज सो साइंटिफिक दैट यू कांट इवन इमेजिन कि हु हैज थॉट अबाउट दिस कैलेंडर, एंड दिस कैलेंडर वी गॉट फ्रॉम अवर एंशिएंट इंडियन वेदास, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कैलेंडर। और इसीलिए दोस्तों पर्पज यही था कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में अवगत कराया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, जिससे हम लोग भ्रमित होते हैं हर फेस्टिवल के टाइम, ये फेस्टिवल आज मनाएं या कल मनाएं। थैंक यू, और अगले बार फिर हम लोग किसी और रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।